हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय व्लॉग चैनल अगेन। एंड आज दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी हो रही है, सो लेट्स सी क्या क्या करते हैं आज। अभी मैं जस्ट उठाई हूँ एंड टाइम इज राइट नाउ, यू कैन से अभी 9:15 हो गए हैं, तो अभी उसके बाद जरा खाना बनाने का देखते हैं, बिकॉज पापा तो चले गए स्कूल। सो अभी थोड़ी देर में देखते हैं क्या करना है। तो अभी आज मेरे पास वैसे करने के लिए है नहीं कुछ, सो देखेंगे हम क्या क्या हम कर सकते हैं। सो लेट्स मूव। तो अभी तो मैं देख रहा था कि काम तो आपको पता ही है, देखिए कितना मैं सब हो चुका है। अभी मुझे सारा कुछ करने को पड़ा है, बट लेट्स वी विल डू इट। सारा रूम भी अभी साफ करना है, तो वन बाय वन वी विल डू ऑल द थिंग्स। सो अच्छा, और सब बताएं कैसे हैं। और कल अभी रात को ही मेरी बात हो रही थी, तो शी जस्ट टोल्ड मी दैट यस यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस थिंग। सो आई थॉट व्हाई नॉट, सो स्टार्ट करते हैं। और इस चीज़ को मैं अब इस तरीके से ले रहा हूँ कि यस आई शुड प्रैक्टिस दिस एंड विथ मोर एंड मोर टाइम आई विल बी एबल टू डू इट। तो करते हैं। सो नाउ देखते हैं कि किचन में पापा ने अभी बनाया है कुछ खाने के लिए। कट गया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। I think है तो है चाय बनी हुई। Yes, it's quite hot. चलो चाय, मैं आपको चाय पी के कर बताता हूँ फिर क्या सीन है क्या नहीं। तो गाइस बैकयार्ड घर के, और यहाँ पर ना ये देखो रात को बंदरों ने क्या सीन करा हुआ है। मतलब यार तुम रह नहीं सकते हो। और एहे, रहा नहीं जाता। और अभी तो मतलब ये टैप वगैरह भी तोड़ दिया था, बट अब क्या कर सकते हैं यार, बाकी थोड़ा दिन पड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं व्हाट वी कैन डू। चाय तो अपन ने पी ली है, तो देखते हैं। बाकी ये मेरे लिए गिफ्ट छोड़ गए हैं पिताश्री, ये मुझे धोना पड़ेगा। चलो बस काफ़ी है वैसे तो, अभी अपन नहा लेते हैं। बाकी नहाने के बाद फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। और रील बनाना शुरू करेंगे अभी हम, तो कंटेंट जो अभी कंटेंट धीरे धीरे हम रील भी बनाना शुरू करेंगे। और रील के लिए अगर तुम मेरे को लोकेशन सजेस्ट करते हो तो दैट विल बी वेरी नाइस ऑफ यू। तो मुझे बताओ मैं यहाँ कहाँ कहाँ मैं अपना लोकेशन जो है वो फाइनलाइज करके रील बना सकता हूँ। तो अगर तुम बताते हो भी हाँ, बाकी इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो मैं यहाँ पर क्लब कर दूँगा, तो तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फिर देखते हो वहाँ पर भी क्या कॉन्टेंट आता है। वैसे मैंने 2-3 रील्स डाल रखी हैं पहले भी, तो लेट्स सी कैसा रहता है। तो गाइस हम जनरली बोलते हैं कि माँ आप क्या काम करते हो पूरा दिन, मतलब इतनी देर तो मैं भी काम कर सकता हूँ, ये है वो है, बहुत सारी बातें हम अपनी माता को बोल देते हैं। बट अगर जनरली अगर मैं सच में बात करूँ तो आई थिंक मैं सुबह 9 या 10 बजे से लगा हूँ, एंड आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग लंच फॉर माई डैड। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज दैट इट हैज़ बीन 4-5 आवर्स नाउ कॉन्टीन्यूसली आई एम स्टैंडिंग एंड माई लेग्स आर राइट नाउ पेनिंग। सो आई राइट नाउ आई विल शो यू दैट व्हाट आई हैव मेड। सो अभी हमने बनाया है बढ़िया, एक तो माँ चने की दाल बनाई है, ठीक है जी, और चावल अभी हमने रख दिए हैं। और अभी जैसे ही 2 बजेंगे तो फादर साहब आएंगे, और उसके बाद आने के बाद चावल जो हैं वो ऑन कर दिए जाएंगे और बन जाएंगे। एंड अभी यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाट आई हैव डन टू माय हेयर राइट नाउ। सो ये कुछ नहीं है, जस्ट मैंने एक्चुअली मेरे बालों में बहुत ज़्यादा, जिसको आप बोल सकते हो कि डैंड्रफ हो चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने और कुछ नहीं, जस्ट मैंने कपूर, कड़वा तेल और साथ में नींबू, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके अपने बालों पे लगाया। तो अभी मैंने इसको सोप करने के लिए छोड़ दिया, तो आई थिंक After 2 hours I will be washing it and फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या results हैं। Till then bye. So guys welcome back, और मैं अभी सोकर उठा हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि मैं सोने वाला हूँ, but still I slept and
मुझे नींद आ गई बिकॉज़ मैं सुबह भी जल्दी उठ गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चीट कर लिया जाए और सोच लिया जाए। तो अभी सोने के बाद मैं उठ गया हूँ अभी, और मेरे को फादर साहब के लिए चाय बनानी पड़ेगी, तो चाय बनाते हैं और साथ में अपना पाठ लगा के बढ़िया अगले काम के ऊपर फोकस करते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। गैस पार्ट तो भी लाइव आया है नहीं, तो मुझे लगता है मुझे वैसे ही चाय बनानी पड़ेगी। चाय बना लेते हैं फिर, उसके बाद देखते हैं पार्ट आता है तो फिर पार्ट लगाते हैं। गैस दूध अभी है नहीं एंड मुझे तो ब्लैक कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, बाकी लिए अभी गर्म चीज़ बना रही हूँ, तो आज तो कॉफ़ी भी काम टिकाना पड़ेगा। तो वैसे दोनों चीज़ें बन चुकी हैं एंड अब तो गाइस चाय भी हो चुकी है, और अब मुझे लग रहा था कि ब्लॉग एंड भी करना है, तो ब्लॉग एंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो मैंने ऑयल अपने बालों में लगाया था, जो कपूर और लेमन मिक्स करके जो अपने बालों में लगाया था मिक्सचर, वो मतलब तुम देख ही सकते हो, इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। तो अभी हमारे पास काम क्या है, अभी ब्लॉग एडिट होगा इसके बाद, और खाना भी बनाना है, तो मुझे ब्लॉग एडिट करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो सब कुछ मेरे को जल्दी रैप अप करके, अभी मेरे को ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है बिकॉज़ मेरे को ब्लॉग एंडिंग के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए थी। तो देखते हैं यहाँ से ब्लॉग एंड करते हैं, बाकी अगर ब्लॉग सही लगे आपको तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट इफ़ यू थिंक, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन दैट यू वॉन्ट टू मेक, है ना। तुम्हें ऐसा कोई लगता है कि हाँ तुम सजेशन दे सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो तो मुझे भी पता है कि अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बट अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर किसी को कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है तो वो पर्सनली DM कर सकता है। और सो इसी के साथ आज का व्लॉग हम इधर ही एंड कर रहे हैं, एंड आई विल मीट यू गाइस टुमारो, टिल देन बाय।